सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये देखिए हमारी खूबसूरत सी गार्डनिंग, छोटी मोटी सी गार्डनिंग जो मैं अपने घर पे करती रहती हूँ गमले में, क्योंकि बालकनी आप जैसा कि देखते ही हैं कि मेरी बालकनी बहुत बड़ी नहीं है, तो छोटी सी इस बालकनी में मैं ये पेड़ पौधे लगाती रहती हूँ। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले, इनके कलर देखिए, 9 o'clock ही हैं लेकिन इनके कलर इतने सुंदर है ना, मैंने बहुत मेहनत से लाया है, कहाँ कहाँ से मैंने इनको कलेक्ट किया है, इन सारे कलर्स को, सभी अलग अलग कलर्स के 9 o'clock हैं। देखिए ऑरेंज, ये डबल शेड में, पिंक में, मतलब बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है मेरे पास में 9 o'clock की। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पौधे लगाना, और अगर रोज़ फूल ऐसे ही खिलते रहना तो मुझे इतना पसंद आता है रोज़ फूलों को देखना। मैं इसीलिए फूलों को लगाती भी हूँ ताकि मैं इनको रोज़ जब भी सुबह में उठती हूँ ना, सबसे पहले मेरा काम होता है इस बालकनी में आना और इन पेड़ पौधों को देखना और इनको पानी देना। तो आज मैं सबसे पहले इनको निहार रही हूँ और आप सभी को भी इन प्यारे प्यारे फूलों को मैं दिखा रही हूँ। देखिए मेरे फूल वाइट कलर के इतने सारे, ये देखिए कलर, ये वाला कलर तो वैसे आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, ये जो डार्क पिंक में है ना, और ये वाले तो आपको हर जगह मोस्टली मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने पहले कलर अभी दिखाया वो कलर नहीं मिलेंगे। तो इधर जो है मैं कर रही हूँ साग बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने सुबह सुबह पालक काट रखा है और पालक की साग बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि पालक की साग नाश्ते में बना लेते हैं, तो इस वक्त मैं सिर्फ पालक की साग जो है वो बना रही हूँ। एक्चुअली पालक की साग ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, हरी सब्जियाँ बहुत कम हो पाती हैं बनाने, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा अच्छे मिलते ही नहीं, पता नहीं कोई टेस्ट ही नहीं होता यहाँ की। आप पालक वगैरह खाइए ना, कोई टेस्ट इन पालकों में नहीं होता है, इसीलिए खरीदने का मन भी नहीं होता है। ऐसा होता है कि भाई हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है, हरी सब्जियाँ खाना ही चाहिए, लेकिन टेस्ट में अच्छा ही नहीं लगता, अजीब सी एक महक आती है, जैसे कुछ केमिकल्स हो उस तरह से, पता नहीं क्या फर्टिलाइज़र डालते हैं, कैसे उगाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बहुत ही अजीब सी स्मेल आती, इतना टेस्ट नहीं आता। लेकिन इस बार जो पालक है ना हमने कहीं और से लिया है, और जो खेतों में हमने देखा उगाते हुए एक किसान को, तो हम उनके यहाँ से लेके आए हैं डायरेक्ट, मतलब किसान के यहाँ से ही लेकर के आए हैं। तो इस बार का आई होप टेस्ट अच्छा लगेगा। तो आज बहुत दिनों बाद मैं पालक बना रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ ककोड़ा की सब्जी बनाने के लिए। एक्चुअली मुझे इसका नाम भी नहीं पता था और इसकी सब्जी कैसे बनाते हैं मुझे पता ही नहीं है, पहली बार मैं इसका बनाऊंगी। तो मैंने YouTube पे काफ़ी सर्च किया, तो बहुत ज़्यादा वीडियो इसके बारे में नहीं मिली है, थोड़ी सी ही वीडियो मिली है, तो देखा है मैंने, उसमें बताया है कैसे कैसे बनाने को, मैं उसी हिसाब से कोशिश करूँगी बनाने के लिए। जब मैं इसको ले रही थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि किस टाइप का चूज करके लेना चाहिए ये ककोड़ा, मुझे जो समझ में आया मैं बस ले ली, और अब देखूंगी काट के कि ये सही है या नहीं सही है। मैं पहली बार इसका सब्जी बनाऊंगी, पता नहीं लगेगा कैसा लगेगा, मुझे ये भी नहीं पता है अच्छा लगता भी है या नहीं लगता है। बस नई सब्जी दिखी मुझे मार्केट में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ट्राई करके देखती हूँ, हर नई चीज़ को तो एक बार ट्राई करना ही चाहिए, तो मैंने सोचा इस सब्जी को भी ट्राई करते हैं, और अगर ख़राब हुआ तो चलो थोड़ा सा ही ख़राब होगा, इसलिए देखिए मैंने सिर्फ एक पाव लिया, ये देखिए सिर्फ 5 pieces चढ़े हैं एक पाव में, तो मैंने थोड़ा सा ही लिया कि अगर ख़राब होगा ना तो बस इतना ही ख़राब होगा, ज़्यादा नहीं ख़राब होगा। चलिए इसे बनाती हूँ और टेस्ट करते हैं कि इसका सब्जी मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम फिर परचेज करूँगी, और अगर नहीं पसंद आया तो देखते हैं। तो ये है हमारा ककोड़ा, नाम भी गजब है ना इसका, ककोड़ा। चलिए इसको कट करते हैं ककोड़े को। तो दोस्तों हमने काट लिया ककोड़ा और चलते हैं इसे बनाने। ये देखिए ककोड़ा, इसको मैंने वैसे ही काटा है जिस तरह से
हम आलू की जो भुजिया बनाते हैं तो काटते हैं, या परवल की भुजिया बनाते हैं तो काटते हैं, उस तरीके से ही मैंने इसको काट लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में और इसको बघारने का काम करूँगी और देखती हूँ कैसा बघरता है, मतलब कैसा बनता है, अच्छा बन पाता है या नहीं बन पाता है, खाने में कैसा लगता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए कि इसका टेस्ट आखिर होता कैसा है। मतलब कुछ मुझे आइडिया ही नहीं है कि इसका टेस्ट होता कैसा है, क्योंकि हमारे घर में कभी भी नहीं बना, कभी नहीं, मैंने बचपन से कभी खाया ही नहीं, मतलब आज तक मैंने, जहाँ हम लोग पहले थे वहाँ तो ये कभी हमने देखा ही नहीं था, यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम देखा नोएडा में, तो मुझे पता नहीं है इसका टेस्ट। अब देखते हैं, खा के देखते हैं, चलिए बनाते हैं इसे। जैसा कि मैंने यूट्यूब में देखा था, तो सबसे पहले कढ़ाई को रख देना है, फिर इसमें सरसों का तेल डाल देना है। सरसों का तेल डालने के बाद में इसमें पंचफोरन डाल देना है, पंचफोरन के बाद में सब्जी को डाल देना है। नहीं गलत हो गया यही होता है जब देख के बनाओ। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद में इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद में हाँ, इसमें सरसों का तेल फिर से डाल के, पंचफोरन डाल के, फिर प्याज डाल देंगे, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और फिर नमक डाल देंगे, और फिर टमाटर डाल देंगे कटा हुआ। बेसिक ये है कि जैसे हम बाकी भिंडी मसाला बनाते हैं ना, तो जो उसमें प्याज और टमाटर का मसाला बनाते हैं वैसा ही मसाला इसके लिए भी, ककोड़ा के लिए भी बनाना है। तो उस तरीके से मसाला बना के, और जब वो मसाला आपका बन जाए तो उसी में ये तले हुए ककोड़ा को डाल देना है, और बस हो गया, बन गया आपका सब्जी। यही मैंने देखा है, और बस इतनी सिंपल सी रेसिपी ही आज मुझे बनानी है। तो चलिए बनाते हैं सिंपल ककोड़ा। ककोड़ा पकोड़ा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है ककोड़ा इज पकोड़ा। यस, मुझे बार बार ना इसको पकोड़ा कहने का ज़्यादा मन हो रहा है ककोड़ा की बजाय, इसका नाम ककोड़ा है। पता नहीं ककोड़ा नाम क्यों पड़ा। पहले तेल डाल देते हैं इसको फ्राई करने के लिए, ककोड़े को। तैयार हो गई है, और आटा भी मैंने गूंथ करके रख दिया है, लेकिन रोटी अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आएंगे ऑफिस से तब रोटी बनाऊंगी। रोटी पहले बना के रखने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ठंडी हो जाती है ना रोटियाँ, तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं खाने में। तो इसलिए जब हस्बैंड आ जाएंगे उसके बाद रोटी बनाएंगे, और उसके बाद हम सभी एक साथ बैठ करके डिनर करेंगे।
आपने बनाया क्या है मम्मा? चिचिंडा। ये चिचिंडा नहीं, इसको पकोड़ा बोलते, ककोड़ा, ककोड़ा, हाँ ककोड़ा, ककोड़ा क्या है? ये है ककोड़ा की सब्जी, फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तुम टेस्ट ट्राई करो कैसा लग रहा है, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। एकदम किमची की तरह दिख रहा है। राइट, किमची। नॉट बैड यार। अच्छा टेस्ट है। बढ़िया, मस्त। नॉट बैड। पहले मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, करेले के डिजाइन का है तो कहीं कड़वा ना लगे, पर ऐसा नहीं है, कड़वा नहीं है। अच्छा। नाइस टेस्ट। मैं इसलिए बोले नॉट टू बैड क्योंकि मैंने अभी प्याज खाया। सीक्रेट, मैं सिर्फ प्याज खाया है इसलिए कड़वा नहीं है। बेटा पीसेस खा के इसके देखो, वो भी कड़वे नहीं है। कढ़ी पत्ते का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसमें, है ना? अच्छा लग रहा है सब्जी, पहली बार लाइफ में खाया है ककोड़ा, अच्छा लगा सब्जी। बनाया? हाँ बनाया, हाँ तो पहली बार बनाया है, पहली बार खाया है। पहली बार बनाया है, पहली बार ही खाया है। कई बार क्या होता है कि हम खा तो पहले भी ले रहते हैं दूसरे के, हम घर पे पहली बार बनाते हैं, लेकिन हमने खाया भी पहली बार है, पहली बार बनाया, पहली बार खाया, राइट? तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, अगले ब्लॉग में फिर आप सभी से मिलेंगे, तब तक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और दोस्तों को बहुत सारा प्यार। बाय बाय, द एंड। Thank you.